नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। दिल्ली के बाद अब हरियाणा सरकार ने निजी अस्पतालों की मनमानी रोकने का मन बना लिया। कोविड 19 के इलाज के लिए हरियाणा के प्राइवेट हॉस्पिटल अब मनमाने रेट नहीं वसूल सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दाम तय कर दिए, उससे अधिक रेट लेने पर कड़ी कार्रवाई होगी। हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने खुद इसकी जानकारी दी। जो नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, बीएससी फाइनल के, एमएससी के, वो भी लगभग 1200 के करीब हैं, उनकी भी हम ड्यूटियां लगा रहे हैं। और 600 के करीब रेगुलर डॉक्टरों की भर्ती की है हमने, उनको अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिए हैं। 350 के करीब वो ज्वाइन कर चुके हैं। तो इससे हमें इन सारे जो बढ़े हुए कोरोना के केस हैं, उन सारों को सर्विस देने में बहुत आसानी मिलेगी। उसके साथ ही प्राइवेट अस्पतालों के लिए भी, कि वहाँ पर बीमारी को देख के वो मनमानी ना करें, मन मर्जी के पैसे ना वसूल करें, हमने रेट तय कर दिए हैं कि इससे ज़्यादा रेट कोई प्राइवेट अस्पताल नहीं ले सकता। ताकि अगर कोई सरकारी अस्पताल में नहीं कराना चाहता, ऐसे सरकारी अस्पताल में कराए, हम सबका इलाज करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर कोई प्राइवेट अस्पताल में जाना चाहता है, प्राइवेट अस्पताल में कराना चाहता है, तो वहाँ पर भी वो लुटे ना, वो भी हमने जारी कर दिया। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज अपने बाथरूम में गिर गए थे, जिससे उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। मोहाली के अस्पताल में सफल ऑपरेशन के बाद अनिल विज को 21 जून को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। डॉक्टरों ने फ्रैक्चर के चलते विज को कम से कम 2 महीने पूरी तरह आराम की सलाह दी, लेकिन विज ने अपने बेड से ही एक बार फिर से पूरे प्रदेश की कमान संभाली। विज के पास हरियाणा सरकार में कई अहम मंत्रालय,